कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा को किया सपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड पॉलिटिक्स को बताई अपनी इंडस्ट्री छोड़ने की वजह। कंगना रनौत ने करण जौहर और शाहरुख खान को किया इस मामले में ड्रैग। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी सीरीज सिटाडेल के प्रमोशन में बिजी हैं। रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंटरनेशनल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड क्विट करने को लेकर हुई ओपन अप। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंटरेक्शन में खुलकर बात की और बॉलीवुड पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें सभी ने कॉर्नर कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के वेस्ट जाना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा के इस कमेंट के बाद अब बॉलीवुड की बेबाक और बोल्ड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उनकी साइड ली है। पीसी के सपोर्ट में आते हुए कंगना रनौत ने एक बार फिर इंडस्ट्री के बड़े नामों को इस पूरे मैटर में ड्रैग किया है। कंगना रनौत ने करण जौहर और शाहरुख खान का नाम लेते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, दिस इज वॉट एट प्रियंका चोपड़ा हैज टू से अबाउट बॉलीवुड, पीपल गैंगड अप ऑन हर, बुलीड हर and chased her out of film industry. A self-made woman was made to leave India. Everyone knows Karan Johar had banned her. Unhone aage likha, media wrote extensively about her fallout with Karan Johar because of her friendship with Shah Rukh Khan and movie mafia Cruella, who is always looking for vulnerable outsiders, saw a perfect punching bag in PC and went all out in harassing her to a point where she had to leave India. कंगना रनौत के इस पोस्ट पर अब सभी कैसे रिएक्ट करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां सालों बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड छोड़ने की वजह बताई है, तो उनके फैंस के साथ बाकी लोग भी शॉक्ड हैं। बता दें, प्रियंका चोपड़ा आज भले ही हॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं और ग्लोबल मैप पर इंडिया का भी नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड की देसी गर्ल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी नाम कमाया है और कई सुपरहिट फिल्मों के साथ फैंस के दिलों में अब भी बसी हुई हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी फेवरेट स्टार को ऊंचाइयों पर देखना भी उनके फैंस के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, जो अब सिटाडेल में उन्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.